राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से 18 बैटरियों के साथ दो चोर युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि अरगोड़ा थाना क्षेत्र में 18 बैटरी इन लोगों ने चोरी करके रखे हुए थे। पुलिस ने रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया है और बैटरी भी बरामद कर लिए हैं। रांची के सलागाई हिंसा मामले में रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश MC झा की अदालत ने मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 30 जुलाई 2014 को ईद की नमाज अदा करने को लेकर ईदगाह की जमीन के लिए दो समुदायों के बीच तनाव हो गया था। हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने 70 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी और कार्रवाई करते हुए 48 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सभी लोग जमानत पर रहते हुए ट्रायल फेस कर रहे थे। 30 जुलाई 2014 को ईद के नमाज को लेकर एक झड़प हुई थी दो समुदायों के बीच में, उसको लेकर एक केस रजिस्टर्ड हुआ था और उस केस में यही आरोप था कि जो तत्कालीन वहाँ पे जो पुलिसकर्मी मौजूद थे घटनास्थल पर, उनके साथ भीड़ द्वारा मारपीट की गई थी, उसको लेकर एक केस हुआ था। और 2014 से लेकर 2023 तक ट्रायल चला और आर्गूमेंट होने के बाद आज जजमेंट पर रखा हुआ था और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज 25 जनवरी 2023 को कोर्ट ने जो भी 44 अभियुक्त थे उनको रिहा कर दिया। कोर्ट में बस ये जजमेंट जो सुनाया गया, बोला गया कि जो सत्ताईस जनवरी को रांची के JSCA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच होना है, इसके लिए दोनों टीमें रांची पहुंच गई हैं। दोनों टीमों को कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। खिलाड़ियों के आगमन को लेकर पहले से ही बड़ी संख्या में फैंस एयरपोर्ट पर मौजूद थे। खिलाड़ियों के पहुंचते ही फैंस खिलाड़ियों की एक झलक पाने को बेताब दिखे। दोनों टीमों के रुकने की व्यवस्था रांची के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में की गई है। ठीक है, तैयारी सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन जब टीमें पहुंचती है तभी पूरे आप कहेंगे लोगों को लगता है कि हाँ, अब जो एक उत्साह, जो एनर्जी देखने को मिलती है, और वो अभी भी आपने देखा कि जो हमारे यहाँ के खेल प्रेमी दर्शक हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, वहाँ मौजूद थे, और मीडिया का भी जो प्रेजेंस होता है उससे लोगों को एक अलग एनर्जी मिलती है। सारी तैयारियां हैं और 27 तारीख को इस T20 सीरीज का एक अच्छा मैच हम लोगों को रांची शहर में देखने को मिलेगा। अच्छा, अतिथि के रूप में कोई बाहर से भी आ रहे हैं इस मैच के लिए? देखिए, जनरली जब तक कोई पहुंच नहीं जाते हैं तब तक ये बोलना मुश्किल है, और इनवाइट जो होता है बाकी जो स्टेट के एसोसिएशंस होते हैं या BCCI के लोग होते हैं वो लास्ट मोमेंट भी काफी बार आ जाते हैं, लेकिन क्या है कि ये जब भी जानकारी होगी 26 तारीख को ही मिलेगी। लगातार इस गेम देखने को मिल रहा है कि जो मैच हो रहे हैं तो जो प्रशंसक है वो मैदान के अंदर चले जा रहे हैं, पसंदीदा प्लेयर को देखने उनसे मिलने, तो क्या रांची में इस तरीके की सुरक्षा है? देखिए, ये आप देखेंगे जहां भी ऐसा होता है, चाहे वो अभी पिछले मैच में रायपुर में हुआ हो या एक बार रांची में भी ऐसा हुआ, तो ये चीजें जो है कोई भी एसोसिएशन या कोई भी जब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुरक्षा के लोग होते हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं। काफी बार जो क्रिकेट के जो प्रेमी होते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और क्योंकि अल्टीमेटली इससे कुछ लाभ नहीं मिलता है और गेम को ही वो डिस्टर्ब करते हैं। सर, धोनी आ रहे हैं, ये जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए ये बात मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। वो तो यहाँ के पार्ट हैं JSCA के, अब बिल्कुल वो यहाँ का एक हिस्सा है और ये उनकी इच्छा है, हम लोग भी चाहते हैं कि वो यहाँ 1100 बात नहीं। देखिए क्या है, ये हमेशा आप देखेंगे जब भी मैचेस होते हैं तो इस तरह की बातें होती है। हम लोग भी और कोई इसका जो फॉर्मूला होता है उस पर डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिन में शायद ऑनलाइन टिकट्स ज्यादा बढ़े तो उससे लोगों को ये करें, लेकिन फिर लोगों को काफी बार ऐसा एक्सपीरियंस ऑनलाइन में भी हुआ है, तो ये आप कह सकते हैं इस पे एक्सपेरिमेंट चलते हैं। लेकिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी ने एक साथ निष्पक्ष मतदान और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की शपथ ली। सिर्फ मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं इसके लिए ये कार्यक्रम नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि गांव के मतदान केंद्र में लंबी लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं और शहरों में लंबी लाइन देखते ही वो बाद में डालने की इच्छा व्यक्त करते हुए वापस चले जाते हैं, और हम सभी को
जब तक अपनी जवाबदारी हम नहीं समझेंगे, ये अनपढ़ को तो हम समझा सकते हैं लेकिन पढ़े लिखों को क्या समझाओगे। ये तो ऐसी कहावत है कि सोए को जगा सकते हैं लेकिन सोने का बहाना करे इसको हम क्या करेंगे। तो मैं तो कि आज मतदाता दिवस के अवसर पर मैं अपने प्रदेश की जनता से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर कोई अपने मत का प्रयोग का महत्व समझे और देश के लिए मतदान के दिन अपना जितना भी बहुमूल्य समय हो उसमें से समय निकाल कर मतदान केंद्र में अवश्य जाएं और अपना मत का प्रयोग करें कि सिर्फ मतदाता मतदान